यार मुझे लग रहा खाली हाथ नहीं भेजा कहीं से भी आज तक। मेरा रब मेरे पे इतना कर्म करता है, उसका इतना फजल है मेरे ऊपर कि उसने मुझे कभी भी आज तक खाली हाथ लौटाया ही नहीं। मैं कभी नाकाम नहीं हुआ अपने अल्लाह से मांगने में अली, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। जो मांगा उसने उससे बढ़ के मुझे उसने दे दिया मुझे उसी वक्त, और जल्दी जल्दी दिया। अभी भी उसने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा। मैंने 40 से ज्यादा कुरान पाक की सूरतें उसने मेरी जुबानी याद करवाई और तर्जमे के साथ, और मैंने कुरान पाक की तफसीर को 4 दफ़ा पूरी और 1 मरतबा 20 सपारे तक पढ़ा, बाकी मैं अभी मुकम्मल कर रहा हूँ वापस आके। तो ये खाली हाथ कहाँ उसने मुझे भेजा? इसी वजह से दिल नहीं छोड़ा। दिल नहीं छोड़ना है मेरी सबसे गुजारिश है कि मैं, ऐसा नहीं है कि आपका दिल टूटता नहीं है, आपका दिल, आप दिल छोड़ते नहीं। होता है आपके ऊपर ये कैफियत आती है, आप कमज़ोर पड़ते हैं, आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, फिर अल्लाह आपको संभालता है। वो आपको दिखाता है ना पहले आपकी औकात बार बार, ये भी तेरी औकात है बदले, फिर वो बताता है कि वो खुद कितना बड़ा है, क्या है अल्लाह, वो फिर बताता है कि वो क्या कर सकता है। इससे आप उसको पहचानते हैं बार बार। हम जरा नालायक लोग हैं, हमें पहचानने में मुश्किल होती है। जो लायक लोग हैं, अकलमंद हैं, अकल वालों के लिए निशानियाँ जरा आसान हो जाती हैं। तो वो है तो है ना, वो मौजूद है, बड़ा है, सबसे ताकतवर है। तो इससे उसकी पहचान ही है सिर्फ, और उसने खाली हाथ नहीं लौटाया, उसकी बड़ी मेहरबानी। मैंने बड़ी बातें की हैं अल्लाह से, बड़ी बड़ी दुआएं भी की हैं, बाकी जो रह गई थी सारी बातें अल्लाह से की हैं मैंने। अल्लाह ने मेरे को किया उसने, अल्लाह मेरे यहाँ, यानी वो इतना सुनता है। सबसे बेहतर साथी भी वही है। मैंने यानी मुझे ये पसंद नहीं है टाइम जो मैंने गुजारा है, लेकिन जैसे इस टाइम को मैंने गुजारा और जिसके साथ गुजारा है ना, वो मैं भूल नहीं सकता, वो मेरा अल्लाह ही था।